अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इन आवर लेसन नंबर वन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी रेड अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ नॉवल एंड इट्स राइटर। बेसिकली दिस नॉवल इज़ डिवाइडेड इन ऑलमोस्ट थ्री पार्ट्स, दो इट हैज़ मैनी चैप्टर्स, बट द थ्री पार्ट्स आर फर्स्ट वेयर द मेन करेक्टर पिप एनकाउंटर्ड विद टू प्रिजनर्स। उसे दो कैदियों का सामना हुआ जो कि जेल से भागे हुए थे। और सेकंड पार्ट ऑफ द नॉवल में ही विल मीट मिस हैविशम एंड एस्टेला। मिस हैविशम से वो मिलेगा जो कि उसको एस्टेला से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पिप को एस्टेला को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को अमीर शो करना है, लेकिन पिप इज़ वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट हिज personality and about the truth that he is in fact not a rich person, he is actually a poor person. Pip असल में एक गरीब आदमी है, so he is very confused कि अब उसे क्या करना चाहिए। After that जो कि climax है novel का, Pip got a lot of money. Pip को कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मिस हैविशम ने भेजा, so that Pip will be eligible for Estella. पिप जो है अमीर हो के एस्टेला से शादी करने के काबिल हो जाए। लेकिन द रियलिटी वॉज वन ऑफ द प्रिजनर्स सेंट हिम दैट मनी। आई होप यू पीपल हैव डन योर होमवर्क्स। आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस किए होंगे अपनी वोकेबलरी यूज़ करते हुए या अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करते हुए कि आपको क्या लगता है कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स में क्या होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नॉवल विच इज़ द एस्केप्ड प्रिजनर, पेज नंबर 1। आई हैव ऑलरेडी रिटन द मीनिंग्स ऑफ मैनी वर्ड्स सिनोनिम्स फॉर यू पीपल सो दैट द लेसन विल बी ईजियर फॉर यू। मैंने बहुत सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखे हैं ताकि आपके लिए लेसन को समझना आसान हो। यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ माई बुक। आप मेरी बुक के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और उसको जूम करके बड़ा करके अपने कैमराज में देख सकते हैं अगर आपको वर्ड्स बहुत छोटे नज़र आ रहे हों। इफ़ यू आर अनेबल टू सी द वर्ड्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ माय बुक एंड आफ्टर दैट जूम द फोटोज़ एंड कॉपी द सिनोनिम्स बिकॉज यू विल बी गिवन दीज वर्ड्स फॉर विच आई हैव रिटन द सिनोनिम्स एंड यू पीपल हैव टू मेक सेंटेंसेस। आपको वर्ड्स दिए जाएंगे इन्हीं में से जो कि मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, उसके आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे खुद से। जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू कैन कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आप कॉपी भी कर सकते हो टेक्स्ट बुक से, सिर्फ आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, चाहे अपनी तरफ से चाहे इस बुक से आप कॉपी कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन द चर्च यार्ड इट वॉज अ कोल्ड वेट एंड ग्रे आफ्टरनून ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑलमोस्ट evening. I was alone in the churchyard near my home. My father, mother and five brothers had all died and were buried in that place. I had gone to the churchyard to look at their graves. Beyond were the marshes. The meaning of marshes is given after the word dark flat fields with streams running between them. I could see a few cows here and there eating the grass, but I could see no people anywhere. Further beyond the fields was the river. Beyond the fields ke paar after fields. A cold wind was blowing in from the sea. As I sat in that sad, dark, lonely place, I began to feel afraid. I started to cry. Stop that noise, a fierce voice suddenly shouted. A man jumped out from among the gravestones. He was wearing rough, dirty clothes. His shoes were old and worn out. He had no hat or coat. On his leg was a heavy iron chain. He was an escaped prisoner, runaway prisoner, bhaga hua qaidi. Before I could run away, he caught hold of me. उसने मुझे पकड़ लिया. Keep still, you little devil, or I will cut your throat, he shouted.
So what we have read till yet is Pip, he himself is telling the story. Pip told us that he was sitting in the courtyard. वो कब्रिस्तान में बैठा था, उसके पांच भाइयों की और अम्मी अब्बू की कब्र है वहाँ. वो वहाँ बैठे बैठे रोने लगा. सडनली एक आवाज़ आई, डेंजरस सी फिश वॉइस, बहुत ख़तरनाक आवाज़. जब उसने देखा तो वो आदमी बाहर आया, उसने फटे हुए कपड़े पहने थे. उससे पता लग गया पिप को कि ये भागा हुआ कैदी है. इससे पहले कि पिप भाग सकता, कैदी ने एकदम से उसको पकड़ लिया और कहा कि वो हिले ना वरना वो उसका गला काट देगा. कैदी ने पिप को धमकी दी. ही शाउटेड दैट ही विल कट द पिप्स थ्रॉट. पिप थॉट दैट द प्रिजनर वॉज टेलिंग द ट्रूथ, सो ही बिकेम सो अफ्रेड. प्लीज डू नॉट कट माई थ्रॉट, डोंट कट माई थ्रॉट सर, आई क्राइड टेरिफाइड. Don't kill me. Tell me your name then, said the man. Quick now. Pip, sir. Pip, is it? He searched through my pockets, which contained only a piece of bread. He ate the bread hungrily, as if he had not eaten for many days. I fell onto the ground, trembling with fear. Dar se kaampta hua, main gir pada zameen par. You young dog, growled the prisoner. Prisoner ne ghuraya gusse se. What fat cheeks you have. Maybe I will eat you too. Now look here. Where's your mother? There, sir, I said. He jumped up and started to run away. He thought that Pip was pointing to some lady or a living man. उसे लगा कि वो शायद किसी जिंदा इंसान की बात कर रहा है. एंड समवन इज़ लुकिंग एट हिम. सो द प्रिजनर रैन अवे. बट द क्रूअल यंग मैन, व्हेन द प्रिजनर सॉ दैट नो वन वाज फॉलोइंग हिम, ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड बैक. माय मदर इज़ देयर सर, आई सेड पॉइंटिंग टू द ग्रेव, एंड माय फादर इज़ बिसाइड हर. अब उसने कब्र की तरफ इशारा करके बताया कि माय मदर इज़ देयर. Ah, he said, coming back. Then who do you live with? My sister, sir, Mrs. Joe Gargery. She is married to Joe Gargery, the blacksmith. I live with them at the forge, sir. Blacksmith, He looked down at the chain on his leg and then he looked at me. A blacksmith will have tools for cutting iron, I think. Now listen to me carefully. You know what a file is? Yes, sir, I answered. And food? Do you know what food is? Yes, sir. Then get me a file and some food. If you don't, I will cut your heart out. Bring them to me early tomorrow morning. Come to that old building over there, down on the marshes. We have already read the meaning of marshes on the previous page. Don't tell anyone that you have seen me and I will not hurt you. Yes, sir. Now, don't think that I am all on my own. There's a young man hiding in that building with me. He is far crueler than I am. Oh, he is cruel, that young man is. He was a secret way of finding out where boys are. A boy like you could never hide from him. Oh no, a boy might lock his door and hide in his warm bed with the sheets pulled up over his head. A boy might think himself all comfortable and safe, but that young man will softly creep nearer and nearer and then jump on him and tear him open. When we saw you just now, that cruel young man wanted to hurt you. It was very hard for me to stop him. So what do you say? Will you bring me what I want? I promised to bring him the file and the food as he asked. Keep your promise then, he said. If you don't, you remember what I have told you about that young man? Now go home. I ran home as fast as I could.
Now, prisoner told him to bring food and a file. File is iron cutter. फाइल आयरन काटने का एक आला होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है. सो ब्लैक स्मिथ इज़ लकड़हारा. उसका बहनोई जो था, हिज सिस्टर्स हस्बैंड वॉज अ फेरियर ब्लैक स्मिथ. सो प्रिजनर आस्क हिम टू ब्रिंग टू थिंग्स, फूड एंड फाइल. File to cut his chains. Now the prisoner was trying to make him more afraid. जो prisoner है वो उसे और डराने की कोशिश कर रहा था, एक अपने दोस्त का नाम लेके, कि he will find him anywhere. वो कहीं पे भी छुप जाएगा अगर Pip, तो फिर भी वो बंदा उसे ढूंढ लेगा और फिर उसे मार देगा. ये सुन के Pip भाग पड़ा as fast as he could. Joe and Mrs. Joe. My sister was more than 20 years older than me and she was not a good looking woman. She was tall and thin with a red face and a very bad temper. Joe himself was a big strong man, but he was kind and gentle. Joe and I were great friends. We were both very frightened of Mrs. Joe. When I got home from the churchyard, the forge was closed. Forge is a big oven or a bhatti, maybe, where his sister's husband did his work. जहाँ पर उसका बहनोई अपना काम किया करता था, उसकी दुकान और maybe a store. I could not get the file. वो फाइल नहीं ले सका जो कि उसको प्रिजनर ने लाने के लिए कहा था, टूल. आई वेंट इन टू आवर हाउस एंड फाउंड जो सिटिंग अलोन इन द किचन. मिसेस जो इज़ लुकिंग फॉर यू आउटसाइड पिप, ही सेड सैडली. उसने उदासी से पिप को बताया कि उसकी बहन पिप को ढूंढ रही थी, पिप की बहन. सो आफ्टर दैट पिप आस्क्ड, इज शी? यस पिप. And she has got the stick with her. Has she been gone a long time, Joe? Well, she has been outside for about 5 minutes. Pip replied, Joe. Then suddenly he said, she is coming. Quick, hide behind the door, Pip. I hid behind the door and my sister came in. She found me at once. Where have you been, you young dog? She shouted. I have been worried sick about you. I have only been to the churchyard, I said. Churchyard? Shouted my sister. If I had not taken care of you, you would have been buried in the churchyard. You would have been dead long ago. There was no one else to take care of you, remember that. I looked out towards the marshes. I thought of my prisoner and the terrible young man and the file, the food and the promise I had made. वो इस सब डांट के बाद भी सोच रहा था अबाउट हिज प्रिजनर, कि उसका प्रिजनर कैसा है और उसका जो टेरेबल यंग मैन जिसके बारे में उसने पिप को बताया वो कैसा होगा. और उसने फाइल का और खाने का सोचा और उस प्रॉमिस का जो कि उसने किया था प्रिजनर से. मिसेस जो वॉज पुटिंग आर सपर ऑन द टेबल. सपर खाना. आई सैट बिसाइड जो. ही लुकड एट मी एंड एट हिज वाइफ एंड देन लुक डाउन एट द टेबल. जो वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आई हैव एवर नोन, बट ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ माई सिस्टर. आई वॉज हंग्री, बट I did not eat the bread that my sister had cut for me. I had to keep it for my prisoner and for his friend. There was not much food in the house that I could take without being found out. I decided to put my bread and butter in my pocket. Afterwards, I ran upstairs and hid it in my room. Now, Pip was unable to hide the food. Pip खाना छुपा नहीं सकता था क्योंकि घर में इतना ज़्यादा खाना या फूड होता नहीं था कि अगर वो छुपा लेता ओ तो पता ना चलता.
सो उसने जो ब्रेड उसको मिली थी अपने खाने के लिए, उसने खाने के बजाय अपने पॉकेट में डाल ली और ऊपर अपने कमरे में जाते साथ ही छुपा दी। अनदर एस्केप। आफ्टर सपर, खाने के बाद आई सैट बिसाइड द फायर। इट वॉज़ अ वेरी कोल्ड नाइट। सडनली वी हर्ड गन फायर कमिंग फ्रॉम वेरी फार अवे। लिसन जो, आई आस्क्ड, वाई आर द गन्स फायरिंग? सो वो खाने के बाद बैठे थे, उन्हें गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने पहनोई से पूछा, जो से, कि ये किस तरह की आवाज़ है। इट्स टू टेल पीपल दैट अनदर प्रिजन हैज़ एस्केप्ड। ये लोगों को बताने के लिए था कि एक और कैदी जेल से भाग गया। जो आंसर्ड, जो ने जवाब दिया, अ प्रिजन रैन अवे लास्ट नाइट टू। आई हर्ड द शॉट्स। आई केप्ट क्वाइट फॉर सम टाइम, देन आई आस्क्ड, वेयर डू दोज शॉट्स कम फ्रॉम? फ्रॉम द प्रिजन शिप्स ऑन द रिवर नियर द मार्शेस, माई सिस्टर रिप्लाइड शार्पली। ही वॉज आस्किंग अबाउट द शॉट्स, दैट वेयर डू दे कम फ्रॉम, बट बिफोर जो रिप्लाइड, हिज सिस्टर रिप्लाइड शार्पली, स्ट्रांगली, जस्ट टू शट पिप्स माउथ। शी डिड नॉट लाइक मी टू आस्क क्वेश्चन। उसे पसंद नहीं था कि पिप ज़्यादा सवाल करे। Who are put into prison ships? Why are they put there? उनको prison ships में क्यों डाला जाता है? कौन होते हैं वो लोग? People are put into prison ships because they kill other people and they steal things from other people, said my sister. They do all kinds of bad things. Bad people are always put into prison ships and bad people are always asking questions. So you stop asking questions and go to bed. Now she was again trying to stop Pip from asking questions. She told him that who are the bad persons who steal, जो चोरी करते हैं, and जो कत्ल करते हैं, या इस तरह की बुरी चीज़ें। But she also said that asking questions is also a bad habit. Asking क्वेश्चंस इज़ नॉट बेसिकली अ बैड हैबिट। सवाल पूछना बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसे सवाल जो कि आपको पहले ही क्लियर्ड हों, वो पूछना बुरी बात हो सकती है। या फिर द क्वेश्चंस विच हैव नो सेंस, इलॉजिकल क्वेश्चंस। बट पिप वॉज आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस, स्टिल शी वॉजंट हैप्पी। द यंग मैन। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉक अप वेरी अर्ली एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। भाग के वो नीचे गया। आई स्टोल अ पाई एंड रैप्ड इट इन अ पीस ऑफ क्लॉथ। देन आई लुक्ड फॉर समथिंग टू गिव द प्रिजनर टू ड्रिंक। देयर वॉज अ लार्ज स्टोन जार ऑफ ब्रांडी इन द किचन। आई पोर्ड सम इन टू एन एम्प्टी बॉटल एंड टुक दैट। उसने थोड़ी सी ब्रांडी भी ले ली और एक पाई भी चुरा लिया अपने घर से। देयर वॉज अ डोर इन द किचन दैट लेड इन टू द फोर्ज। किचन से एक दरवाज़ा सीधा फोर्ज में जाता था, उनके दुकान में या स्टोर में। आई वेंट थ्रू एंड टुक वन ऑफ जोज फाइल्स, देन आई रैन टू द मार्शेस। उसने फाइल भी ले लिया, फूड भी ले लिया, एंड देन ही रैन टू द मार्शेस। वो डार्क फील्ड्स में भाग पड़ा। नेक्स्ट पेज। इट वॉज अ वेट मिस्टी मॉर्निंग। द मिस्ट वॉज सो थिक, मिस्ट क्लाउडी फॉगी, धुंध। आई डिड नॉट सी द साइन पोस्ट पॉइंटिंग बैक टू आर विलेज अंटिल आई वॉज वेरी नियर इट। व्हेन आई रीच्ड द मार्शेस इट वॉज इवन वर्स। इट वॉज सो मिस्टी दैट आई कुड नॉट सी माई वे। मिस्टी, धुंध होना। जैसे लास्ट टाइम सर्दियों में यू पीपल हैव सीन दैट देर वॉज अ लॉट ऑफ फॉग इन आर स्ट्रीट्स। आप लोगों ने स्कूल जाते हुए भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फॉगी मॉर्निंग्स थी। इवन कि आपको गली के स्टार्ट में खड़े होकर गली का एंड नहीं नज़र आता था। व्हेन यू पीपल वर स्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीट, यू पीपल वुड नॉट बी एबल टू सी एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट क्लियरली।
I had often been to the old building on Sundays with Joe. I knew the place well, but because of the mist, I lost my way and I had to walk back along the riverside. I walked quickly. Suddenly, I saw a man sitting in front of me, his arms folded as if he was asleep. His back was towards me. I thought it was my prisoner, so I went up softly and touched him on the shoulder. He jumped to his feet at once and turned round. जब वो रास्ते में जा रहा था उसका एक और इन उसको एक बंदा मिला जो कि अपने आप को ऐसे फोल्ड करके बैठा था. ही थॉट कि ये उसका वाला प्रिजनर है जो उसे पहले मिल चुका है पिप को. बट जब उसने उसका शोल्डर टच किया तो वो एकदम उछल के खड़ा हुआ. ही वॉज नॉट द मैन आई हैड मेट. वो बंदा नहीं था जिससे मैं मिला. ही वॉज ऑल्सो ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लोथ एंड हैड अ चेन ऑन हिज लेग लाइक माई प्रिजनर. वो रिजेंबल करता था, मिलता जुलता था उसके प्रिजनर से, बट वो नहीं था. बट ऑन द साइड ऑफ हिज फेस वॉज अ डीप कट. उसके मुंह पर एक गहरा कट था. द स्ट्रेंजर गेव अ टेरेबल क्राई एंड ट्राइड टू हिट मी, बट ही मस्ट हैव बीन वेरी वीक बिकॉज ही मिस्ड मी एंड ऑलमोस्ट फेल डाउन. देन ही रैन अवे इन टू द मिस्ट. अब वो इंसान जो है उसको देख के चिल्लाया और गिर पड़ा, और उस पिप को देखने के बाद अब कोशिश करके गिरने के बाद उठा और भाग पड़ा. पिप वॉज हिमसेल्फ वेरी अफ्रेड बिकॉज ऐसी सूरत हाल में एवरी वन विल गेट अफ्रेड. वो भी डर गया और प्रिजनर भी डर गया. इट्स द यंग मैन आई थॉट एंड ट्रेम्बल्ड. उसने सोचा पिप ने कि यही वो यंग मैन है जिसके बारे में उसे उसके प्रिजनर ने बताया था, और वो कांप गया. आई रैन टू द बिल्डिंग एंड फाउंड माई प्रिजनर वेटिंग. आई गेव हिम द फाइल एंड ही पुट इट डाउन ऑन द ग्रास. देन ही सीज्ड द फूड. उसने उससे छीनी फूड. आई गेव हिम एंड एट इट As if he was dying from hunger. उसने उससे खाना छीना और खाना शुरू कर दिया ऐसे जैसे कि वो भूख से मरने वाला हो. I feel sorry for the prisoner. What is in the bottle, boy? He asked. Brandy, I replied. He stopped eating and drank some of the brandy. He was shaking because of the cold and could not hold the bottle still while he was drinking. I think you are ill, I said. So he was so weak or feeling so cold ke wo kaapna shuru ho gaya aur uske haath stable nahi the when he was holding the bottle of brandy. I think I am, boy. It's very wet around here, I told him. You shouldn't have been laying on the wet ground. तुम्हें गीले ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए. Well then, I will eat my breakfast before I die of the cold. If they were going to hang me, I would still want to eat my breakfast first. That's the truth. So he thought that कि अगर मैंने मरना ही है तो खा के मरूँ. He ate very fast. उसने जल्दी जल्दी खाया. Then suddenly he stopped eating. अचानक वो रुक गया खाते खाते. He looked around quickly like a dog that has heard something suspicious. उसने एकदम रुक कर कुछ सोचा और लगा कि शायद वो कुछ सोच रहा है, या लेकिन उसने कुछ सुना था, कुछ doubtful, suspicious, कुछ मशकूक. Have you brought anyone with you? He asked. No, sir, no, I cried. Well, I believe you, he said. You are too young to take pleasure in seeing a poor prisoner caught by the soldiers. I don't think you would bring soldiers to hunt me. उसे लगा कि मैं इतना गरीब कैदी हूँ तो पिप ऐसा नहीं करेगा कि सोल्जर्स को ले आए मुझे पकड़ने के लिए. आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम. उसे दुख हुआ प्रिजनर को देख के. वॉचिंग हिम ईट द पाए, मैंने उसे खाते हुए देखा. आई सेड आई एम ग्लैड यू आर एन्जॉइंग इट. थैंक यू माई बॉय. द अदर प्रिजनर. आफ्टर अ वाइल आई आस्क्ड, आरंट यू गिविंग एनी ऑफ द पाए टू योर फ्रेंड? ही स्टॉप्ड ईटिंग. माई फ्रेंड? ही आस्क्ड. To the young man, the one you talked about yesterday, I told him. Oh, him, he said and laughed. He doesn't want any food. But he looked very hungry, sir, I said.
द मैन स्टॉप्ड ईटिंग ही स्टेयर्ड एट मी स्टेयर्ड घूरना लुकिंग डीपली लुक्ड यू मीन यू सॉ हिम व्हेन ही आस्क्ड जस्ट नाउ वेयर ओवर देयर आई पॉइंटेड आई फाउंड हिम अस्लीप आई थॉट इट वॉज यू. नेक्स्ट पेज ही कॉट होल्ड ऑफ मी एंड शुक मी उसने उसे पकड़ा और झंझोड़ा शेक किया. व्हाट डिड ही लुक लाइक क्विक बॉय ही वॉज ड्रेस्ड लाइक यू एंड ही हैड अ चेन ऑन हिज लेग टू डिडंट यू हेयर द गन शॉट्स लास्ट नाइट सो देर वर शॉट्स लास्ट नाइट ही सेड टू हिमसेल्फ That means that somebody else has escaped from the prison ship. The prisoner tries to free himself. Then he turned to me and asked, "What about his face, Pip? Was there anything strange about his face?" There was a cut on it on the left side. Aha! Where is he now? Show me the way he went. He put the remaining food inside his coat. I pointed in the direction where the other man had gone. Pip ने इशारा करके बताया कि दूसरा आदमी कहाँ भागा था. He stared into the mist. Then he took the file and started to rub it against the chain. उसने औजार उठाया और अपनी चेन से रगड़ना शुरू कर दिया to cut it. On his leg to cut it free. He did not pay any attention to me, so I decided to go. The last I saw of him, he was sitting there in the mist. He was bent over, working hard with the file as he tried to cut through the chain. I walked a little way then stopped and looked back. He was hidden by the mist and I could not see him, but I could still hear the sound made by the file on the chain. लास्ट टाइम जब उसने प्रिजन को कब देखा खाना देने के बाद और दूसरे प्रिजनर का बताने के बाद जब प्रिजनर अपनी चेन को फाइल से काटने लगा तो उसने पिप की तरफ तवज्जो देनी बंद कर दी. तो पिप ने सोचा कि मैं यहाँ क्यों रहूँ वो चला गया. जब उसने पीछे मुड़ के आखिरी दफ़ा तब देखा अपने प्रिजनर को कि ही वॉज कटिंग His chain at that time. You people have to make sentences of these words, synonyms to these words. I have already told you. What you people have to now do now is that makes you simply first of all. सबसे पहले आप लोगों ने अपना पेज कैसे प्रिपेयर करना है. After writing chapter 1 and name of the chapter, then write word synonyms. Draw a line. सब words लिखने हैं जो कि मैंने आपको इस पेज में underlined दिए हुए हैं. जितने words almost these are 15 words or 10 words. I don't know. I haven't counted yet, but you people have to write word synonyms all of the words. जितने words मेरे pages पे counted हैं जितने pages में जितने words मेरे पेज पे underlined हैं आपको book आप लोग screenshots ले लो video में से और उन words को words synonyms करके अपनी notebooks पे एक page पे लिख लेना है. उसके बाद आपने question number 2 क्या करना है. word meaning लिखने के बाद आपने इन वर्ड्स के मेक सेंटेंसेस नंबर 2 आप काम करोगे मेक सेंटेंसेस ऑन नेक्स्ट पेज. फर्स्ट यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द चैप्टर. आपको पहले आपने चैप्टर का नंबर लिखना है चैप्टर का नेम लिखना है नीचे वर्ड सिनोनिम्स लिखने हैं ऐसे लाइन ड्रॉ करके. आफ्टर दैट आपने इन वर्ड्स के सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी नोटबुक्स पे. Use separate pages for both of the things. First for the word synonyms and second page for the sentences. Class 4th,
meet you in the next meeting with new chapter and review of the previous chapter. I hope you people have understood your homeworks. If you have any difficulty, aapko kisi kism ki bhi difficulty aati hai, you people can call or message me anytime. Calls are sometimes I am unable to attend the calls. You can text me or send me voice notes. Aap log voice notes bhej sakte ho ya text messages kar sakte ho so that I can reply you whenever I am free or I get your message. Take care of yourselves, do your homework. Till then, Allah Hafiz.